टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, जिस चीज़ का वेट था आप सबको बहुत ही टाइम से, वो अब वेट ओवर हो गया है और हमारे सामने आ गया है RRB का डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें हर एक चीज़ लिखी हुई है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। जो भी चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जाननी है, वो हर एक चीज़ इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक इस बार इंडेक्स भी अच्छे से दे दिया गया है कि कौन से पेज में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पहले में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, एंड देन पार्टिसिपेटिंग RRBs के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से RRB इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, फिर ये नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं। देन एज आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगी, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन वगैरह की बात हुई है, देन ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और कैंडिडेट जो जिस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, वो लोग उसका अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। फिर अब बात आती है सी वाले पार्ट में, एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस ये कितनी है, इस बार हम लोग ये भी एक बार देख लेंगे। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। पेनल्टी ये सब देख लेंगे हम लोग। फिर आगे जितने भी एग्ज़ाम के प्रोसेस हैं, वो सारे डिटेल में लिखे हुए हैं कि प्री के एग्ज़ाम, मेंस के एग्ज़ाम, इंटरव्यू वगैरह, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में दिख जाएगा, पेज नंबर 24 तक एग्ज़ाम के बारे में। उसके बाद आपको आगे दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है और जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में नहीं लेके जाना है, तो ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं। फिर अनाउंसमेंट वगैरह दिया गया है आपको। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैकेंसीज़ कितनी कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको मिलेगा पेज नंबर 37 से 46 में। फिर सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं एग्जामिनेशन के, वो हैं। फिर सर्टिफिकेट वगैरह की यहाँ बात की गई है, वो सब तो आप बाद में देख सकते हो अच्छे से। तो ये हो गया, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए लिंक दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग RRBs हैं। तो यहाँ पे आप एक लुक ले सकते हो कि कौन कौन से बैंक्स हैं RRB के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, कैंडिडेट यहाँ इन सारे में से कोई भी हो सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब तो कॉमन सी चीज़ें हैं, पता ही होगा आपको। देन एज आपकी कितनी होना चाहिए, एज एज ऑन 1/6/2023 इसके हिसाब से आपको दिया गया है कि 1 जून तक आपका एज कितना होता है, उस हिसाब से आपका यहाँ पर। अगर आप सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन यहाँ दिया हुआ 21 से ज़्यादा, 40 से कम। देन स्केल 2 के लिए फ्रॉम 21 से 32। देन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट ये दोनों होगा, स्केल 1 फ्रॉम एबव 18 और बिलो 30, ऑफिस स्टैंड के लिए बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स, ये सारी बातें हैं जनरल कैटेगरी की। उसके बाद रिलैक्सेशन वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, SC ST को 5 ईयर्स है, बैकवर्ड को 3 और पर्सन डिसेबिलिटी ये 10, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, डिटेल में, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो। नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, देन पेज नंबर 12 में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कौन से पोस्ट के लिए आपको कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिज़ायरेबल है आपके पास होनी चाहिए। फिर आप जिस भी आर्मी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उसकी जो लोकल लैंग्वेज हो, वो आपको उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है, बस बेसिक सा, कोई परसेंटेज वगैरह नहीं क्लासिफाइड है, बस बैचलर डिग्री के बारे में लिखा हुआ है। और इसके स्केल 1 के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे या उसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए। प्रेफरेंस किन्हें मिलेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें भी सेम चीज़ है, लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज की बात की गई है। फिर नेक्स्ट स्केल 2 और स्केल 3 का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम आगे। अब यहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज कैसे टेस्ट की जाएगी, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए
स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ स्टेट इन स्टैंडर्ड 7th और एनी अबव स्टैंडर्ड 8 इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन. कभी भी आपने स्टैंडर्ड 8 से ऊपर उस सब्जेक्ट उस लैंग्वेज की पढ़ाई की हुई हो वो होना चाहिए. या नहीं तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम से, और आपको उस टाइम में प्रोफिशिएंसी एक्वायर करनी पड़ेगी. ठीक है, अब यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री की भी बात की गई है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए. उनका सिबिल स्कोर जो है वो 650 या एफ होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आरआरबीज. ठीक है, तो द मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और जिस भी बैंक में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके मिनिमम क्रेडिट स्कोर आपको फुलफिल करना है. ठीक है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं. अब बात आ रही है फॉर्म के प्राइस की, तो ये आई थिंक चेंज नहीं हुआ है. ऑफिसर के लिए आपका 850 है. ठीक है, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वाला में इसमें 175 है. ऑफिस स्टैंड के लिए भी सेम ही है. ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली, देन आपका एज के बारे में हमने बात कर ली, फिर फी कितना लग रहा है उसके बारे में हमने बात की, और क्या क्या अच्छी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी आपको एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ों के हमने बात कर ली. अब नेक्स्ट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वैकेंसीज़ कितनी हैं वो भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.